कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि 18 साल के शासन में शिवराज सरकार ने 250 से ज्यादा घोटाले किए हैं। भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। महाकाल लोक में खंडित हुई मूर्ति की याद दिलाते हुए प्रियंका ने कहा, भाजपा सरकार ने तो भगवान के साथ भी घोटाला कर दिया। धार जिले के मोहनखेड़ा पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहले जैन तीर्थ के दर्शन किए, फिर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर खूब हमला बोला और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा भी किया। शिवराज सिंह चौहान को निशाने पर लेते हुए प्रियंका ने कहा कि 18 सालों में शिवराज सरकार ने 250 से ज्यादा घोटाले कर दिए हैं, यहां तक कि घोटाला में भगवान को भी नहीं छोड़ा। 18 सालों में 250 से ज्यादा 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला, स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार सरपंच के अधिकार छीन रही है और पंचायत को कमजोर बना रही है। जो भाजपा के खिलाफ बोलता है सरकार उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देती है पर अपने घोटाले की जांच नहीं करवाती। प्रियंका गांधी की रैली में भारी जनसैलाब देखने को मिला और कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भी जोश में नजर आए। आज तमाम पंचायतों को मुश्किलों में डाल दिया है और जहां हमने पंचायतों के लिए व्यवस्था लागू की, भाजपा सरपंचों के अधिकारों में कटौती ला रही है। मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है, लेकिन यहाँ तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे हैं, आपका एक काम नहीं हो रहा है। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई? ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई, यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।